खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा है, वाकई अच्छा बनाती है पुलाव। थैंक यू जी। वाव दी, आपके पुलाव की खुशबू से तो पूरा किचन महक रहा है। जवाब नहीं आपके पुलाव का। हाँ है ना, तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही? पुलाव और गाजर का हलवा टेबल पे लगा दे। आगे बता, कैसा बनाया पुलाव? हमेशा की तरह लाजवाब। जी तो कर रहा है पीतो, जिसने पुलाव बनाया उसके हाथ छू लूं। अच्छा तो बता किसने बनाया? प्रीतो, ऐसा पुलाव इस घर में दो ही लोग बना सकते, या तो प्रीतो या फिर मेरी वोटी गुलाब। और इस पुलाव की खुशबू से ही समझ गया था कि ये पुलाव गुलाबों ने बनाया, और हर बार पहले से बेटर बनाती है, और इस बार वाला तो बेस्ट है। ना ना मेरे राजी, यहां तो तू धोखा खा गया। सौम्य और सुरभि का स्वाद एक ही है पुलाव। सौम्य ने नहीं, सुरभि ने भी। अभी तो मैं सोचूं कि पुलाव आज इतना स्वाद कैसे। वाह सुरभि, पुलाव तो बड़ा अच्छा बनाया तूने। क्या हुआ? अभी तो कह रहा था बड़े अच्छे बने। अब तो अपनी जबान से मुकर भी नहीं सकता। अच्छे लगे ना तुझे तो खाओ। तुम दोनों को सजा मिली है, बैठो खाओ तुम लोग भी। अरे भूखे लोगों, सबको अपनी अपनी पड़ी है। मेरे खाने का क्या, मुझे भी तो खाना दो। आइए ना चिंटू जी, मैं आपको परोस देती हूँ, आइए। बैठिए। सुरभि आ जा यहाँ मेरे सामने में। अच्छा
पेट भर गया। क्यों भर गया? पुलाव तुझे बड़े पसंद है और तेरा पेट भी नहीं भरा है, मुझे पता है। खा। चल हरमन, अब जो बचा है उसे भी पूरा कर दे। पुलाव बनाने वाली का हाथ चूम ले। मर्द की जबान है, पीछे नहीं हट सकता। प्रीतो, रखली मैंने अपनी बात। गलती कर गया तू। बुलाओ सौम्या ने नहीं, सुरभि ने बुलाया। प्रीतो, मैं अपना नाम भूल सकता हूँ पर अपनी गुलाबों के हाथ का बनाए हुए खाने का स्वाद नहीं। गुलाबो, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। आज का पुलाव तो टू गुड था। कहाँ गई थी? वो खबरी से मिलने गई थी। क्या खबर मिली? यही कि एक घर में किन्नर पैदा हुआ है, उसे लेने जाना है। सच बोल दे। सच ही तो कह रही हूं। आपकी इज्जत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी कहीं भी इज्जत उतार सकती हैं। सौम्या की जिंदगी से दूर है, वरना ये इज्जत तो क्या, ये हर ठिकाना भी जाएगा। क्यों? सौम्या आपकी जागीर नहीं है कि आप तय करेंगे उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने मेरे साथ धोखा किया है, उसकी सजा भी मैं खुद दूंगी। उसे बदला तो मैं लेके रहूंगी। अगर मेरे बदले के बीच आप आई
तो मैं आपको भी रास्ते से हटाने के लिए पीछे नहीं हटूंगी। मैं जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो। आज जिस तरह से आपने पहचाना कि वो पुलाव मैंने नहीं दीने बनाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सबके चुप रहकर झूठ को बढ़ावा देने के बाद भी आपने दी के हाथ का टेस्ट पहचान लिया, सच का साथ दिया। आज आपकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई। यकीन पक्का हो चुका है, आपसे बेहतर दी को और कोई नहीं मिल सकता। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये झूठ आपसे बोला क्यों गया? हरमन जी, हमारे रिश्ते की सच्चाई सबको दिखने लगी है और बस इसे ही सामने लाने के लिए ये सब किया गया है। आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानना चाहते, ना सही। आप जैसा बिहेव करना चाहते इस कमरे में आप कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगी, इसके लिए सब सह लूंगी। इस कमरे के बाहर तो हम पति पत्नी की तरह रह सकते हैं ना। बाकी परिवार वालों के लिए और दी के लिए, ताकि वो निश्चिंत हो जाए। पति पत्नी ना सही, दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना, दिल से ना सही, पर दिखावे के लिए ये नाटक तो कर सकते हैं ना हम सबके सामने। आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी कोई ख्वाहिश आपको बता रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो भी इसीलिए ताकि सोमो जी इस घर में चैन से रह सके। तुम सच में सौम्या की सगी बहन? जी हाँ, क्यों नहीं। सौम्या इतनी भोली भाली, सीधी सादी, और तुम चतुर चंड चालाक, बस बनती स्वीट हो। देखो, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों बोल रही या क्यों करना चाहती। हाँ, इतना जरूर पता है कि इसके पीछे तुम्हारा कोई मतलब। मैं सौम्या को या अपने घर वालों को झूठ नहीं बोलने वाला, और दिखावा तो भूल ही जाओ। आप मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो, मैं किसी को भी इस धोखे में नहीं रखूंगा कि हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल है। वैसे भी शादी एक धोखा है और सबको इस बात का एहसास होना चाहिए। तुम्हें भी। मैं ये सब इसीलिए बोल रही थी कि ताकि बस दी को कोई तकलीफ ना हो। लाइट ऑफ करो और चुपचाप सो जाओ। शैतान कहीं का बदमाश कंस मामा बार बार तुम्हें यही नाम से बुलाते हैं ना? तुम चूहिया निकाल रही हो क्या नहीं निकाल रही हो? ओ चूहिया, तू की करेगा? मेरे पास है ना ढेर सारे खिलौने, तू खिलौना से खेल, मैं तुझे देती हूँ। ओफो, जितना बोला है उतना करो ना, चूहिया निकाल के दो। ओ छोड़ चूहिया, मैंने कहा ना खिलौने और अच्छे अच्छे। रुक, मैं हूँ लेकर आई। चूहिया नहीं निकाली जाती है तो बुढ़िया नाटक कर रही है, मैं ही कुछ करता हूँ। को निकलना होगा। आग लग गई है।
ये आग कैसे लगी? पानी ले आ, पानी यार, पानी ले आ जल्दी। तो आग फैल ना जाए, जल्दी कर। पानी पाओ जल्दी। हटो 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 पानी। पूछ रहे किसकी हरकत है ये? दूसरों पर मत चिल्लाओ। पहले ये बताओ ये घास यहाँ पर किसने लगा? ओए शहजादी, कहाँ से इधर किसने रखा? मैं कहाँ कहीं भी रखूं और पूरे घर में आग लग जाती तो? तेरे को अकल है? तेरे को अकल है कुछ? क्या को संस्कार दिए तेरे को उस परिवार ने तुझे? ओए जाओ यार, उन्हें छड़ के आओ, उन्हें दे पट्टे नू। बेटा समझा यार अनु। बेटा नहीं रोके, पापा ये कहीं नहीं जाएगा। बेटा मैं आपकी मम्मा हूं ना, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। दूर हटो, एक तो मारता है, दूसरा पे आकर ने गन्नाटा करता है। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे अपने बाबू के घर में जाना है। चिंटू जी, आप प्लीज मत रोइए, मैं आपको आपके पापा के पास लेकर जाऊंगी। हाँ सच्ची? हाँ जी। आप अभी आप मेरे साथ चलिए, बस आ रही हूँ। बस चिंटू जी बस, अब ज्यादा नहीं बहाते हैं आंसू, छोड़ दीजिए, बस हो गया हो गया। सब लोग आपकी फिक्र करते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं। हाँ वैसे आप बाहर तो चले जाएंगे, पर आपको पता है बाहर ना एक बूढ़ा बाबा है, वो बच्चों को ना पकड़ लेता है। अब हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारे चिंटू जी बूढ़े बाबा के साथ चले जाएं, तो प्लीज आप कभी भी अकेले बाहर मत जाइएगा। फिर मेरे पापा कैसे ढूंढेंगे? नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर सो जाता हूँ। लोरी सुना? ठीक है जी, अब आप सोने की कोशिश कीजिए। हाँ भागा देखो सो दीवारे लांग गे। अधूरेपन के कारण उनका एक पूरे परिवार का सपना अधूरा नहीं रह सकता।